नमस्ते दोस्तों, अपर्णास रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सबके फेवरेट छोले की सब्जी, पर इसमें मैं कोई भी छोले मसाला या चना मसाला यूज़ नहीं करूँगी। घर के मसालों से ही आपको मिलेगा छोले मसाला वाला टेस्ट, और हम इन्हें थोड़े से अलग तरीके से बनाएंगे, जिससे ये सबके फेवरेट छोले बनेंगे और भी स्वादिष्ट। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये एक कप छोलों को रात भर भिगो कर रखा था और ये काफ़ी अच्छे से भीग गए हैं। अब छोलों में भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, तो इनमें से जो छोटे छोले होते हैं, ये देखिए ये वाले यूज़ किए हैं मैंने यहाँ पर, और एक कप मतलब पाव किलो से थोड़े से कम है ये। साधारण 225 ग्राम छोले मैंने यहाँ पर लिए थे। अब इन भिगोए हुए छोलों को हम कुकर में डाल देंगे। इन्हें हमें बहुत अच्छे से कुक करके लेना है। इन छोलों के साथ में ही हमें इसमें और भी कुछ चीज़ें डालनी है। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये एक इंच अदरक को ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट कर लिया है। इनको इसमें डाल देना, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इन छोलों में। साथ में ही ये दालचीनी के टुकड़े डाल देना, और यहाँ पर मैंने ली है ये 3 हरी इलायची, इनको भी डाल देना। साथ में ही 10 से 12 काली मिर्च डाल देना, ये है 4 लौंग, 2 तेज पत्ते, और इन गरम मसालों के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये एक पोटली। अब मैं आपको बताती हूँ ये पोटली मैंने कैसे बनाई है। एक कॉटन का कपड़ा लिया है मैंने एकदम पतला सा, और इस पर मैंने रखा है 2 चम्मच से थोड़ी सी कम चाय पत्ती। अब इसकी एक ऐसे पोटली बना देना, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कपड़ा है वो एकदम पतला आपको यूज़ करना है, जिससे चाय का बहुत अच्छे से फ्लेवर छोले में उतर जाएगा। अगर आपके पास टी बैग्स है तो इस पोटली की जगह पर 2 टी बैग्स आप डाल देना। अब इसमें पानी डालना, तो एक कप छोले के लिए मैंने यहाँ पर साधारण 2.5 कप पानी डाला है, और साथ में ही इसमें डाल दिया है ये स्वादानुसार नमक। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से अपने छोले जो है ये बहुत अच्छे से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट कुक हो जाएंगे, बहुत जल्दी से कुक हो जाएंगे। तो कुकर का ढक्कन लगा देना, और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी होने तक अच्छे से पकने देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, 4 सीटी होने तक मैंने इसे पकाया है मीडियम फ्लेम पर, और उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया था। लो फ्लेम पर मैंने इसे 4-5 मिनट कुक किया है, और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। तो कुकर ठंडा होने के बाद मैंने इसे खोला है, और देखिए दोस्तों, चाय पत्ती के कारण बहुत ही अच्छा कलर पानी में आया है, और छोले भी बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। अगर आपको छोलों में थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए तो चाय पत्ती आप थोड़ी ज़्यादा यूज़ करना। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच से थोड़ी सी कम यूज़ की है। आप 2 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा, 2.25 चम्मच तक चाय पत्ती यूज़ कर सकते हो। अब इन छोलों को हम कुकर से बाहर निकाल लेंगे। बहुत लोगों को खाना खाते समय अगर खड़े मसाले दांत के नीचे आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप चाहो तो खड़े मसालों को यहाँ पर हटा सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, एक तरफ ये अपने छोले है और दूसरी तरफ है ये अपना छोलों का पानी। खड़े मसालों को तो मैंने हटा ही दिया है, और साथ में ही ये जो चाय पत्ती की पोटली थी इसको भी हटा देना। तो चलिए अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर ये कढ़ाई मैंने रखी है, और इसमें साधारण 3 चम्मच तेल मैंने डाला है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा हींग डाल देना। मैंने यहाँ पर थोड़ा कम तेल यूज़ किया है, आप चाहो तो थोड़ा सा ज़्यादा तेल यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, एक मीडियम साइज के प्याज की मैंने प्यूरी बना ली है मिक्सी में डालकर। तो इसको तेल में डालेंगे, और इसे बहुत अच्छे से हमें भूनना है। बहुत अच्छे से मतलब बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पर भूनना है। तो 5-6 मिनट लग जाएंगे हमें इसे भूनने में, पर तभी तो सब्जी में आएगा बहुत अच्छा सा स्वाद, बहुत अच्छा सा टेस्ट। तो ये देखिए दोस्तों, प्याज को मैंने काफ़ी अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अदरक लहसुन की पेस्ट, और इसको भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो साधारण 1 मिनट हम इसे भूनेंगे, और इसे भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये 2 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी।
तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है एक प्याज और दो टमाटर। टमाटर को भी हमें उतना ही अच्छे से भूनना है जैसे हमने प्याज को भूना है। तो जब तक ये तेल अच्छे से बाहर ना छोड़े तब तक हम टमाटर को भूनेंगे। टमाटर को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद तुरंत ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी से गल जाता है और जल्दी जल्दी भूना भी जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो टमाटर बहुत अच्छे से तेल बाहर छोड़ने लगा है। अब समय है इसमें मसाले डालने का। सबसे पहले इसमें जाएगी ये आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, साधारण एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच से थोड़ी सी कम जीरा पाउडर मैंने यहाँ पर डाल दी है, और साथ में ही डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ पर मैंने ये दो बड़े चम्मच अनारदानों को पीस कर लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। बाद में भी हम इसमें और कुछ मसाले डालेंगे। तो ये सारे मसाले डालने के बाद आपको इसमें छोले मसाला डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन्हीं मसालों से बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट छोले बनेंगे। इस तरीके से आप इस सब्जी को एक बार ज़रूर बनाकर देखना दोस्तों, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए दोस्तों, मसालों को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है जब तक मैंने मसालों को भूना है। ये अनारदाने का पाउडर जो है ये कभी कभी मार्केट में मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। तो आप क्या कर सकते हो, घर में जब आप अनारदाना लेकर आते हो उसका जूस निकालने के बाद उसके जो सीड्स रहते हैं ना सूखे सूखे, उनको आप धूप में सुखा कर उनका पाउडर बना सकते हो, या तो आप इन्हें तवे पर अच्छे से भून कर उनका पाउडर बनाकर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर सारे मसालों को अच्छे से भून कर हो गया है, तो चलिए अब इसमें ये कुक किए हुए छोले डाल देते हैं। छोलों को मसालों के साथ अच्छे से मिला देना, और इन्हें अच्छे से मिलाने के बाद आप चम्मच से इनमें से थोड़े से छोलों को ऐसे स्मैश कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर पोटैटो स्मैशर भी यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ पर ये छोले जो है बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं तो आसानी से मैं इन्हें चम्मच से ही स्मैश कर रही हूँ। ऐसा करने से आपकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी अच्छी बनेगी, थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी बनेगी तो अच्छा लगेगा। अब मसाले और छोले अच्छे से मिक्स होने के बाद ये पानी जो हमने साइड में रखा था इसको भी इसमें डाल देना और इसे अच्छे से मिला देना। अब हमें इसे अच्छे से उबलने देना है ताकि सारे मसालों का फ्लेवर छोलों के एकदम अंदर तक चला जाए। और देखिए दोस्तों, 3 से 4 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से उबल गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, साथ में ही यहाँ पर मैंने ये एक बड़ी चम्मच कसूरी मेथी को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके लिया था। यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी आमचूर पाउडर ली है, पर यहाँ पर मैं आमचूर पाउडर नहीं डालूंगी। मैंने ग्रेवी को टेस्ट किया है और इसकी टेस्ट एकदम परफेक्ट लग रही है मुझे। थोड़ी सी खट्टी है अनारदाना पाउडर के कारण और खट्टे खट्टे टमाटर के कारण, तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो ही आप आमचूर पाउडर डालना, या तो आप इसे स्किप कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से हमने मसालों को इसमें मिला दिया है और ग्रेवी में अच्छा सा उबल आ गया है और ये अपने छोले बन गए हैं। पर अभी भी हमें इसके ऊपर लगाना है एक तड़का, जिससे ये बनेंगे और भी टेस्टी। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने ये तड़का पैन में एक बड़ा चम्मच तेल डाला है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी ये क्रश की हुई 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। थोड़ा सा चलाना इसको, और यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे ये 3 हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने थोड़ा सा कट लगा कर लिया था तड़के में डालने से पहले। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से लहसुन और हरी मिर्च को हमने भून लिया है, अच्छे से स्वाद इनका तेल में उतर गया है। तेल का टेम्परेचर हल्का सा कम होने के बाद इसमें डाल देना ये थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, इसे अच्छे से मिला देना और अब इस टेस्टी से तड़के को इस छोलों के ऊपर डाल देना। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे मसालेदार, बहुत ही टेस्टी छोले बनकर तैयार हैं। तो इस तरीके से आप भी एक बार छोले बनाकर ज़रूर देखना, और आपको ये कैसे लगे ये कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो मेरी वीडियो पर लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो नीचे का रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना,
साथ में ही बेल आइकन को भी दबाना, उससे क्या होगा मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।